बहुत बढ़िया। मतलब मैं समझता हूँ कि SKS फ्लिक्स जो है OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, मैं पूरे टीम को बहुत बधाई देता हूँ, खासकर हमारे दीप शर्मा जी को जो हमारे बहुत ही पुराने सीनियर मित्र हैं और काफ़ी सालों से इस लाइन में अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका इस कदम को भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करे ये SKS जो है बहुत हिट हो जाए, हर किसी के जुबान पर आए और OTT की दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए। OTT प्लेटफॉर्म तो अभी ऐसा हो गया कि हर एक की जरूरत हो गया, क्योंकि जब मोबाइल ही हमारे हाथ में 24 घंटे होता है। टीवी तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग देखते हैं आजकल, कोई देखता नहीं टीवी, बहुत कम देखते हैं, कुछ खास प्रोग्राम हो तो देखता है, लेकिन मोबाइल आप हर वक्त 24 घंटे अपने साथ में रहता है। और ऐसे में आपका 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 फेवरेट जो भी कंटेंट होगा, चाहे किसी भी भाषा में हो, वो अगर आपको मिलता है तो मैं समझता हूँ कि वो हिट हो जाता है। तो SKS जो है, जैसे शर्मा जी का मैं कहूँगा कि इनको हर तरह का नॉलेज है, हर भाषा का नॉलेज है, तो चाहे वो म्यूजिकल हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे जो भी हो, वो उस कंटेंट लेकर आएंगे और फिट है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सर बताइए। पर्ची दीजिए और अपना उत्तर दीजिए। सर्वप्रथम SKS फ्लिक्स है और उनकी पूरी टीम, श्री मनोज गुप्ता जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और आज नवरात्र का 9वीं तिथि है और 9वीं तिथि माता जी का नवम सिद्धिदात्री सिद्धिदात्री हैं। तो यह आज के दिन, आज इन्होंने जो इसका प्रारंभ किया है, जो शुरुआत किया है, यह सभी प्रकार का सिद्धि देने वाला रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाँ, बोल सर से पूछिए। सर से सर आप बताइए। सर क्या गुण विशेष होंगे आपकी तरफ से SKS? मैं दीप शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म इस देश में चल रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी हिम्मत से और अपने तजुर्बे से इस प्लेटफॉर्म को जो है आज की इस बहुत पेशेवर भीड़ में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ईश्वर से उनके लिए दुआ करूंगा, कामना करूंगा कि वो इसमें कामयाब हों और इस OTT को बहुत दूर तक लेके जाए। प्लेटफॉर्म पे सुनील पाल जी जाने माने कॉमेडियन हैं, साथ ही हमारे आचार्य पवन त्रिपाठी जी जो खुद ज्योतिष शास्त्र में PhD हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, हमारे रमाकांत गुप्ता जी और अभी सर्वेश कुमार जी के बारे में आप बताएं और दीप शर्मा जी। मैं सभी लोगों को शुभेच्छा देना चाहूँगा कि आज का जमाना, जैसे सुनील जी ने कहा कि आज का जमाना TV हो सकता है आने वाले 10-20 साल के बाद में TV शायद एंटिक पीस बन जाएगा और मोबाइल ही रहेगा। तो OTT प्लेटफॉर्म पे सर्वेश जी और उनकी सब टीम ने जो कुछ भी एक अच्छा प्रयत्न किया है, तो जो बड़े बड़े नेटफ्लिक्स है या बाकी है, मैं भी शुभेच्छा दूंगा कि आने वाले दिनों में आप भी नेटफ्लिक्स के बराबर में खड़े हो जाएं, टक्कर दें, यही शुभेच्छा देता हूँ। देखिए, जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का घोषणा किया था तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था कि इस देश में तो लोगों के पास मोबाइल नहीं, खाने के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारी वाहियात बातें की थी। लेकिन अब देखिए, आप देख रहे हैं कि लोग पेमेंट भी कर रहे हैं तो 2 मिनट में, आजकल ऐड भी ऐसा आता है ऐड पे, आप देखते हैं कि लोग पर्स में से पैसा निकालते निकालते बाजू वाले ने पानी पूरी का पैसा पेमेंट कर दिया डिजिटल से और वो खा के चला गया। तो उसी तरीके से डिजिटल इंडिया होते जा रहा है, आने वाले दिनों में मोदी जी ने जो एक विजन रखा था डिजिटल इंडिया का, वो पूरा होने जा रहा है। मैं आप लोगों को यही शुभेच्छा दूंगा कि आप लोग डिजिटल जितना अच्छा कर सकें अच्छी बात है। और आपने जो SKS के द्वारा जितनी भी अच्छी फिल्में उतारेंगे, लोगों को एक प्रेरणादायी होनी चाहिए। फिल्में देखिए प्रेरणा भी देती हैं, समाज को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। मैं आपको यही संदेश आपके द्वारा देना चाहूंगा कि आज को समाज को बांधने की, देश को बांधने की जरूरत है, ऐसा अच्छा है। बाकी यस, जब ताली हो जाए तो शगुन पूरा हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। और भी कुछ सनी देओल भाई साहब, आ अब आप आ गए हैं तो सर आप इधर देखिए। सर हमको भी सर देखिए नहीं थे। हां सर, यहां मेरा नाम संजय वर्मा, कॉमेडी। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंडस्ट्री के थैंक यू। हेलो, थैंक यू। चलिए बैठिए। कामना है कि उन्होंने और नया प्लेटफॉर्म दिया है और मैं एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जुड़ी हूँ। मैंने उनके लिए काफ़ी 3-4 शो कर लिए हैं, मतलब
वैसे देखा जाए तो ओटीटी के मामले में आप देखोगे तो हर जगह एक मोनोपोली है, बट जो मैं जो उनसे मिली एसकेएस जो हमारे हैं उनका नेचर इतना अच्छा है कि वो हर इंसान को काम का मौका देते हैं, हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को। तो मेरे ख्याल से ऐसे बंदों को मौका मिल रहा है जो अपना अनुभव, अपना जो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। शॉर्ट शब्दों में बहुत दिल से जुड़ी है, दिल तो वही लगता है ना जहाँ प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, फिर वो चीजें तो वही होती है। हमने गलत टाइम पे रखा होगा, हर व्यक्ति बिजी है, हमने इनवाइट किया उनसे वो नहीं आ पाए। वो ऑलवेज मेरे भाई के जैसे है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हमेशा और भी मेरा साथ देते हैं, और उनकी कमी मुझे है नहीं पर महसूस हो रही है, वो होते थे साथ और अच्छा लगता। और वो समाज से भी जुड़े हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उन्हें होना चाहिए था, मैं मिस कर रही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे एसकेएस फ्लिक्स से, आप किस तरह से जुड़ी है और आप किस तरह नजर आएगी इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में? इसमें मैं एज एन एक्ट्रेस आपको नजर आऊंगी, और ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बोला हम सब इससे दिल से जुड़े हुए हैं, एक होता है प्रोफेशनल तरीके से जुड़ना है, एक होता है दिल से जुड़ना। तो यहाँ पर मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भी जो भी जुड़े हैं, बहुत सारे ना तो समझ में नहीं आ रहा, तो सब लोग बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा प्रोफेशनल मतलब नहीं है कि काम तो ठीक है कर ही रहे हैं, लेकिन सब लोग एकदम फैमिली की तरह है इसमें। तो अभी कोई इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अभी एसकेएस के लिए कितने आपने कुछ तैयारी हुई है या फिर आपके कुछ बन चुके हैं जो अभी हमने काफ़ी लोगों में मतलब हमारे अलावा काफ़ी लोग काफ़ी मतलब प्रोड्यूसर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 10-15 प्रोजेक्ट रेडी है एसकेएस को बहुत अच्छा मतलब लॉन्चिंग मिल रहा है। मतलब होता है कि ऑटो टीम में पहले कि मतलब प्रोग्राम रेडी नहीं होते या कुछ अधूरे हो जाते हैं, इस मतलब ऑटो टीम को एक बहुत अच्छे लोग प्रोड्यूसर मिले हैं, अच्छे डायरेक्टर मिले हैं और काफ़ी प्रोग्राम है इसमें से। इसकी फ्यूचर की बात करें हम तो इसमें हमारा पूरा मैच प्लेयर का कोडिंग हुआ है, जिसमें से आप सारे मैच प्लेयर के ऑप्शन देख सकते हैं, वो चीज़ हमारे इस पे आए, ये एक फैमिली चैनल तैयार हो रहा है जिसमें से आपको इसमें सोशल मीडिया का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप सोशल मीडिया जैसा फेसबुक हो गया आपको, इंस्टाग्राम हो गया, वो सारा चीज़ हमारी ओटीटी पे आप चला सकते हो। और इस पे आपको टिकटॉक मिलेगा जिसमें से मार्केट में बहुत अच्छा ओटीटी तैयार हो। जिसमें से अगर कोई गंदी पोस्ट कर रहा है कुछ भी कर रहा है वो कंपनी उसको बैन कर देगी, उसकी आईडी चलेगी नहीं। और आपकी टीम के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और आप जो अभी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं अपने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए उसमें कौन कौन से स्टार कार्ड, कौन कौन से चेहरे हैं जो अभी हमें नजर आ सकते हैं? अभी तो इसमें जो भी काम हैंडल कर रहे हैं हमारे सगुन नेम है सागर सर हैं और दीप सर हैं, ये सब लोग हैंडल कर रहे हैं। अब इनको किसको कास्ट करना है सब लोग ये तीन लोगों को देखना है। फिल्में एज एसोसिएट राइटर लिखी हैं जिसमें जिगर है, बलवान है, 20 साल बाद है, पापी आंधी, क्रोध है, बहुत सारी फिल्म एड फिल्म्स काफ़ी की हैं, लिज्जत पापड़, ससा नीलम, कुलदीप माउथ फ्रेशनर, बिरला सीमेंट, और सीरियल्स बहुत सारे किए हैं। और फ्लिक्स के साथ जब फ्लिक्स की शुरुआत हुई थी तब से हम साथ में जुड़े हुए हैं, हमने फ्लिक्स के लिए 2-3 प्रोग्राम्स बनाए हैं जिन्हें सगुन राठौड़ जी ने प्रोड्यूस किया है, सागर जी ने अपनी फोटोग्राफी से जिसको इसकी खूबसूरती को निखारा है, और बस बहुत जल्दी आप सर्वेश भाई के नए ओटीटी एसकेएस फ्लिक्स में हमारे से हमें ओटीटी वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। तो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्या कुछ लेकर आने की आपकी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया 13-14 फिल्मों को जिस तरह से आपने इतनी बड़ी फिल्मों को आपने किया है, तो अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ आप जब जुड़े हुए हैं तो आप किस तरह से इसके लिए फिल्में एंड आपके प्रोजेक्ट किस तरह? हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, वो चीज़ें ना करें जो इससे पहले बहुत लोगों ने देख लिया है,
गंदगी से बहुत दूर है हमारे ओटीटी में, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें बन रही हैं, क्राइम शो बन रहा है, कॉमेडी शोज़ बन रहे हैं, रियलिटी शोज़ टाइप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं, और हमने कुछ अलग करने का एक प्लान किया है जो जैसे जैसे आता रहेगा आप लोग देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा क्योंकि आप दूसरों से दूसरे जो प्लेटफॉर्म पर जो सब्जेक्ट है जो प्रोजेक्ट है उनसे डिफरेंट लाने की आपकी कोशिश है, तो आपके लिए चैलेंजिंग कितना होगा, क्या अभी भी कुछ चैलेंज आपके सामने ऐसा है जो आपको फेस करना पड़ रहा है? चैलेंजिंग तो बहुत है क्योंकि देखिए बुरा मत मानिए, सबसे पहले तो जब एक डायरेक्टर आर्टिस्ट को अप्रोच करता है कि आप वेब सीरीज में काम करेंगे तो सबसे पहले तो उनका जो फीमेल्स होती हैं उनका रिएक्शन ही कुछ अजीब होता है, तब हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई ये वो ओटीटी नहीं है जहाँ पे कोई गंदगी हो, जहाँ पे कोई नंगापन हो, ऐसा कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा ओटीटी है, और इसमें काम करके आपको आप 10 जगह अपने लिंक शेयर कर सकते हो, बाकी ओटीटीज़ में जाते हैं काम करते हैं मगर आप खुद अपनी पहचान छुपाना चाहते हो कि यार कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, तो हमारा ओटीटी ऐसा है कि जिसमें हम उनको काम देंगे तो वो 10 जगह खुद प्रमोट करेंगे कि मैंने इस ओटीटी में काम किया। ओटीटी के प्लेटफॉर्म हमारा ऑलरेडी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहा है जिसका नाम फ्लिक्स एसकेएस मूवीज करके चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल बाबतों की वजह से हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा और ये हम नया ओटीटी प्लेटफॉर्म मार्केट में लाए। तो इस नए ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्या कुछ नया लाने की आपकी कोशिश है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले एक ओटीटी प्लेटफॉर्म था, उसे छोड़कर फिर नए इसकी शुरुआत कर रहे हो, तो क्या कुछ नया है इसमें? ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमने इस तरह से की है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया है वो पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही बनाया है, ये बच्चे से लेके बूढ़ों तक हर कोई इसको देख सकता है, हर एज के लिए हमारे पास हमें प्रोग्राम है, जैसे कि हमने क्राइम शो अभी स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी हमारे पास में कंटेंट सारे रेडी है जो आपको नेक्स्ट डे से आपको कल से ही देखने के लिए इसमें मिलेंगे। तो जो नए चेहरे हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या ऐसे लोगों को भी जगह मिलेगी एसकेएस प्लेटफॉर्म पे? मैम ऑलरेडी जो भी नए एक आर्टिस्ट है उनको ही चांस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ही चांस दे रहे हैं, सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो भी कंटेंट चल रहे हैं उसकी वजह से लड़कियाँ खास करके जो फीमेल आर्टिस्ट है उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही है और पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी सीरीज है वो सब हम ला रहे हैं इसमें। जब वेब सीरीज का नाम आता है तो उसमें जो एक सीन लोगों को देखने को मिलते हैं लोग उसे ही देख रहे हैं, लेकिन आप उससे चेंज कर रहे हैं कि वो सीन आपके वेब सीरीज में नहीं होगा, तो क्या लगता है दर्शकों का प्यार मिलेगा आपके वेब सीरीज को? 100% मैम, हमारा एक्चुअल में यही मानना है कि जो भी वेब सीरीज है वेब सीरीज ओनली फॉर वही कंटेंटों की वजह से ही जानी जाती है, वेब सीरीज का नाम आते ही सबको यही लगता है कि इसमें उस टाइप के ही कंटेंट होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बड़ी बड़ी ओटीटी पे भी अभी अच्छे अच्छे कंटेंट्स चल रहे, अच्छे अच्छे स्टोरियाज चल रही है, तो उस हिसाब से हमारा पूरा मानना है कि वही कॉमेडी कंटेंट है, वेब सीरीज में भी कॉमेडी कंटेंट हम ला रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट हमारे पास में है, प्लस क्राइम शो हम कंटिन्यूज हमारी सीरीज रहेगी जो हर वीक में हमारा दो दो अपडेट आती रहेगी। आप फ्यूचरी वेब सीरीज लेकर आने की जिस तरह से इनकी तैयारी है? अच्छा बीरबल जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा शब्द, एक मिनट पहले आप उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। ओके, मेरी बेस्ट विशेस है, ये जो अच्छा काम करने जा रहे हैं मालिक इनको इसमें तरक्की दे, और जहाँ पर सच्चे दिल से कोई कोशिश करता है तो वो चीज़ हमेशा कामयाब होती है, और मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में कुछ भी काम करो फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर, हम लोग डिज़ायर बहुत कुछ करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे लेकिन हमें अपने आप को इसके काबिल बनाना है तभी आप कामयाब होंगे, सिर्फ सोचने से नहीं आदमी कामयाब होती। इधर देख सकते हैं, यस। अब जैसे मैं इस लाइन में आया था, मैं बचपन से ही किशोर कुमार का फैन था और ओम प्रकाश का भी फैन था, उन दोनों की पिक्चरें मैं 20-20 दफ़ा 30-30 दफ़ा देखा करता था और वहाँ से मैं कुछ ग्रहण करता था। पहले मैंने कॉलेज में कॉमेडी की कामयाब हुआ, उसके बाद टीवी में भी किया, दिल्ली दूरदर्शन पर भी, उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे को इस लाइन में कुछ लगता है कि मैं कुछ बन सकता हूँ तभी मैं यहाँ ट्राई करने आया, क्योंकि अगर आपको काम मिले और अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका काम ही आपको आगे लेकर आएगा। आज हम जो वेब सीरीज देखते हैं जिसमें बहुत सारी हम गंदगी देखते हैं, आपको क्या लगता है उस चीज़ों पर
सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिस तरह से आज इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सोचा है, ऐसे बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सोचना चाहिए इस तरह की वेब सीरीज लाने से पहले। मैं तो कहता हूँ कि देखो, हमारा जो अपना इंडियन कल्चर है उससे बढ़कर कोई कल्चर नहीं है।